पांच में या छह में या चौबीस में जब भी। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी जो कह रही है हम इतना पैसा देंगे, इतना देंगे, ये देंगे, और बीजेपी भी उसी तरह का कह रही है महिलाओं को, बीजेपी कह रही कांग्रेस कह रही 2000 देंगे 16 साल से लेके 60 साल की महिलाओं को, बीजेपी कह रही 2100 देंगे। 15 लाख भी दिए इन्होंने, 15 लाख भी दिए बीजेपी वाले ने, कांग्रेस भी तो साढ़े आठ हजार खटा खट कह रही। देखो एक मिनट, लेडीजों को तो उन्होंने कर दिए 15 लाख, तीन बार पांच पांच दे दिए, पांच दिए 15, 6-0 लगा तो 15 लाख उनके तो पैसा कर दिए उन्होंने पूरे, हैं जी। अब आदमी कुआं में गिरो पोखर में, हैं जी। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपनी जिंदगी में सही सही बताना, जब से बसपा बनी है मायावती को छोड़ के किसी और को वोट दिया है? देखो मैंने इलेक्शन ड्यूटी कर रखी है, मैं सेंटर से हूँ, फोर्स से भी और वैसे भी मैंने सब चीज़ देख रखी है। मायावती को हमने यहाँ जब उसका कुछ देखा ना रवैया, तो मायावती को दिया हमने वोट। अब जब यहाँ कुछ है ही ना, ना हमारी इतनी मेजोरिटी जो यहाँ से कामयाब हो जाए, सबसे बड़ी बात हो बाबू जी मेजोरिटी नहीं हमारी। लेकिन इनोले को साथ गठबंधन तो किया, अब वो करते रहे वही गिनती में ना आ रहे। गठबंधन कांग्रेस साथ क्यों नहीं किया है जी? वो तो एक बिना आए को देख लीजिए तुम, दुष्यंत के अभी कल खिलाड़ी की ना हुई है पहलवान की, तू तो मैं में हुई है खूब, हुई है ना हुई? अरे मैं अभय की कह रहा, तुम दुष्यंत की कह रहे है तो सगरे भाई का चोटा ला के पिसाब तो अलग अलग देवी लाल के पार्टी तो अब राजीव गांधी घरवाड़ी ना संजय की ना अलग अलग कर रखी है पार्टी, यही तो खिलाड़ी है। एक बनेगा तो वहाँ को काम करेगा, एक बनेगा वहाँ को काम करेगा। दुनिया आप हरियाणा में मायावती जी की पार्टी को वोट देते रहे और अब हटे हैं या क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए ये तो संयोग की बात हुई कि मैं शुरू हुआ और मुझे नहीं पता था कि कौन लोग यहाँ पर हैं, ये तो चर्चा और आपने बोला और हमने बाबा साहब को देखा तो अब मेरे विचार में ये आ गई। अब आकाश आनंद ने देखो वो उतर के आए और एक बार तो उनको मायावती ने लोकसभा में घर बैठा दिया, अब हरियाणा विधानसभा में फिर तेजी पकड़ ली और कल ही से वो परसों से बोल रहे हैं कि बिना हमारे सरकार किसी को ना बनेगी, गांव में और जमीन पर जाके देखिए कि इनेलो और मायावती कितनी मजबूत है। बस हमारे यहाँ बीएसपी का जनाधार नहीं है, उसका हरियाणा में नहीं है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हम हरियाणा का क्या कह सकते हैं, हमारे यहाँ बीएसपी का जनाधार नहीं है। और अगर उसको बीएसपी को गठबंधन करना था तो कांग्रेस से क्यों नहीं किया? कांग्रेस को तो कहती है कि ये नौटंकी पार्टी है और ये खाली बस आरक्षण का झूठ फैलाती है और इसने क्या किया दलितों के लिए इतने सालों में आज़ादी के बाद, कांग्रेस पे तो सबसे ज़्यादा हमलावर रहती है। तो मायावती का स्टेटमेंट रिजर्वेशन के खिलाफ कहाँ आया है? आया रिजर्वेशन के पक्ष में तो आया नहीं, कहाँ आया है? अरे ट्विटर पे चलता है, ट्विटर पे चलता है, वैसे तो नहीं आया ना, वो तो चुप है रिजर्वेशन के नाम से तो। अरे कितना मुखर विरोध किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, वो तो दिखावा था सब। अच्छा बीएसपी के ऊपर उठने का आकाश आनंद में कितनी संभावना है? मैंने वो बताया ना कि यहाँ पे बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है, ना आया उसके बारे में इतनी कोई नॉलेज है हमें। आपका क्या विचार है? चर्चा चूंकि हरियाणा पे हो रही थी लेकिन चूंकि आप लोग और इनेलो और बसपा का जो दावा है कि वो तीसरी शक्ति के तौर पर हरियाणा में उठेंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में दलित वोटरों की संख्या बहुत अच्छी है, उनका रुझान ज़्यादातर किधर है? रुझान की क्या है जी, बीएसपी का जो है ना ये बेईमान पार्टी है थोड़ी सी, बीएसपी बताऊं कैसे आपको? सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ, दो बार मैडम को सीएम बनाया उत्तर प्रदेश में, चार बार नहीं सुनो मेरी बात सुनो आप, दो बार बीजेपी ने बनाया उसको, अलायंस किया इसके साथ, भाई छः महीने तू सीएम रह ले, छः महीने हुए, जब छः महीने हुए इसने बाहर कर दिया, पलटी मारी, दोनों बार ऐसा हुआ। तो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ऐसे थोड़ी को भाई 2003 का मालूम है आपको बोल रहे हैं, बीजेपी ने ताज कॉरिडोर का मामला आया, ताज कॉरिडोर में भ्रष्टाचार का आरोप आया और उसमें फिर दोनों के संबंधों में खटास आई, उसमें मायावती ने कहा क्या करा? बीजेपी का उसमें देखो ये तो पार्टी अलग अलग है, जैसे अपने क्षमता वो है अपने किसकी और दूसरी पार्टी अखिलेश की, उसका भी हाथ है इसमें, बीजेपी का भी हाथ था इसमें। बाकी इसने धोखा दिया है, बीएसपी ने जब भी दिया है ना धोखा ही दिया है दूसरी पार्टी को हमेशा। तो काशीराम जी तो कहते ही थे कि मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं चाहिए। ये तो अभी
पार्टी जाने वो जाने। दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि बीएसपी से कोई कैंडिडेट जीत गया वो दूसरी पार्टी में जाके मिल जाता। अभी टेकचंद शर्मा जी को देख लो, बीएसपी से जीता था और वो बीजेपी में चला गया। बीएसपी का एक समय भी फरीदाबाद में तो अच्छा बोलबाला था, लेकिन अब कभी था अब नहीं है। जिस टाइम था गिरिराज शर्मा के टाइम में था, अब नहीं है। और तिगांव में चक्कर फंस गया कि अब बीजेपी वाले की तो बंधी हुई वोट है, हमारी वोट का दिक्कत होगी कि हमको प्यारा तो ललित नागर है लेकिन वोट देनी है कांग्रेस को, अब क्या करें। इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा। आप भी कुछ बताएंगे? बोलो। अरे जाटो समाज देश का दलित क्या सोच रहा है कि आगे उसकी राजनीति का रहनुमा कौन है? हम चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए, क्यों दलितों के लिए बाल्मीकियों के लिए कांग्रेस ने ही जो दिया है वो बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। बड़ा जल्दी यार बीएसपी मायावती का साथ छोड़ दिया आपने। बीएसपी तो हमारे यहाँ है ही नहीं, शुरू से ही नाम नहीं। और ना मेरी 60 वर्ष चल रही है एज, मैंने आज तक बीएसपी को कभी वोट ही नहीं दिया, क्यों कि हमारे यहाँ उसका शासनकाल नहीं है। यूपी में है उसका, लेकिन वहाँ उसने गद्दारी करो, वो आज वही पार्टी को जो दुबकाई बैठी है अपने मुँह, तो उसका बोलबाला नहीं है। हमारे यहाँ से बीएसपी का पंडित जी खड़े हैं, लालचंद जी एक बार आए, भाई हमने पिछली बार गिरिराज शर्मा आए वोट ले लेते, बनने की कोशिश करते फिर भाग जाते पीठ दिखा के। तो जो भी टिकट ला रहा है वो पंडित ही ला रहा है, हमारी जाटव समाज का या छोटी कास्ट का कोई उसकी टिकट नहीं ला रहा। आप, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और इसको आप भी लीजिएगा, टेलीविजन चैनलों पर जो शाम को बहस आप देखते रहते हैं, वही 10-20 प्रवक्ता दोनों पार्टियों के 5 बजे से 8 बजे तक अलग अलग चैनलों पर जाते हैं और पार्टी का पक्ष रखते हैं, चेहरे समान हैं चैनल बदल जाते हैं, और वहाँ जो बातचीत या बहस का स्तर या जानकारी का स्तर रहता है उससे कहीं ज़्यादा देश का आम मतदाता बुद्धिमान है और राजनीति की चालबाजियों को उससे ज़्यादा वो समझता है। इसीलिए मेरे कार्यक्रम में आप देखते हैं हमेशा हर कार्यक्रम में 40-50 नए लोग होते हैं और मैं उनसे चर्चा करता हूं और आपको चीज़ें पता चलती हैं। अब ये आपका नाम क्या? सुरेश कुमार। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी। अब देखिए सुरेश कुमार जाटव हैं, दलित समाज से आते हैं, मजदूरी करते हैं, 60 बरस इनकी उम्र है, गाँव में रहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि फरीदाबाद लोकसभा सीट का जो चुनाव हुआ, फरीदाबाद लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें आती हैं फरीदाबाद और पलवल जिले की, तो इन्होंने क्या कहा कि 2 विधानसभा क्षेत्र के नेताओं ने कांग्रेस कैंडिडेट का सहयोग नहीं किया जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं जीत सके। 2 नाम इन्होंने लिया, एक नाम लिया करण दलाल का जो कि पलवल से 5 बार या 6 बार विधायक रहे हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा के सगे रिश्तेदार हैं और वो फरीदाबाद से लोकसभा का टिकट 24 का चाहते थे। वो जब टिकट उनको नहीं मिला, महेंद्र प्रताप को मिला, तो करण दलाल नाराज़ हो गए थे और वो नाराज़गी अभी उनकी बहुत बात तक थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी तरफदारी नहीं की, इस बात को लेके वो नाराज़ थे। ठीक इसी तरह ललित नागर के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने उस समय लोकसभा कैंडिडेट का उस तरीके से साथ नहीं दिया, यही आरोप लग करके उनको कांग्रेस का टिकट इस बार नहीं मिला, जबकि पिछली बार वो अच्छी खासी लड़ाई लड़ने में कामयाब रहे थे। तो देखिए लोगों को पता सब चल जाता है, करण दलाल उन्हें लगा कि टिकट शायद उन्हें ना मिले, हालांकि वो बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, इसीलिए कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही करण दलाल जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। और ये सारी बात इन मजदूर को पता है जो 60 साल के हैं और गांव में रहते हैं, तो आप समझिए कि लोगों का राजनीतिक चेतना का स्तर गांव देहात में भी किस कदर है। तो बहरहाल चौपड़ तो आप लोगों की रुक गई, लेकिन ये चौपड़ जो हरियाणा में बिछी है उसका विजेता कौन होगा, क्योंकि चौपड़ में तो 4 खिलाड़ी खेलते हैं, यहाँ भी कह रहे 4 खिलाड़ी हैं। 2 पार्टी जीतनी है जी, 2 पार्टी जैसे 2 इधर है, 2 इधर है, 2। मैं कह रहा हरियाणा की जो चौपड़ है उसमें 4 खिलाड़ी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, एक जेजेपी इनेल, जेजेपी और आजाद है, इनेलो है और आम आदमी पार्टी भी है। हमारे यहाँ से कांग्रेस जाएगी पार।
ज्यादातर कांग्रेस, कांग्रेस जाएगी पार, मगर ये सीट, हाँ इस कह रहा हूँ कांग्रेस जाएगी यहाँ से। अरे कांग्रेस जीती कहाँ है, पिछला भी आ रही है जाएगी जी, बिल्कुल ही 100%। हरियाणा में हरियाणा हुड्डा सरकार नहीं, वो हरियाणा ना, यो कौन सा, यो पंजाब, ये कौन सा जहाँ बैठे, ये ऑस्ट्रेलिया या जापान है जहाँ ताओ, मैं कह रहा पूरे हरियाणा में इस सीट को छोड़ के ना, ना अरे मैं सब सीट समझू। चलिए ठीक है, आप लोग चौपाल खेलिए, अब जरा मैं एक दूसरी चौपाल इधर है जरा, कहीं से कहीं चर्चा की शुरुआत होती है।